बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर से। कच्चे तेल में जोरदार तेजी है, ब्रेंट पर भाव $90 के पार जा चुका है। दरअसल सऊदी अरब ने उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है, इससे क्रूड में तेजी आ गई है। खबर पर विस्तार से बात करते हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। मृत्युंजय बताएं, तेजी की वजह हुआ क्या है? दरअसल मृत्युंजय, मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या फैसला लिया गया, जरा विस्तार से बताएं। देखिए दीपक, ये क्रूड मार्केट के लिए, एनर्जी मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि सऊदी अरब, जो कि ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया के टॉप 3 में हमेशा शामिल रहता है प्रोडक्शन के मामले में, और सऊदी अरब ने यह फैसला लिया है कि अगले 3 महीने तक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती सऊदी अरब की तरफ से जारी रहेगी, और ये कटौती रोज की 10 लाख बैरल की होगी। मतलब आप समझिए कि 10 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम होगा सऊदी अरब की तरफ से, और अब जो ग्लोबल मार्केट में रोज का उत्पादन है ओपेक की तरफ से वो 9 मिलियन बैरल के आसपास का होगा। मतलब 90 लाख बैरल रोज कटौती होगी, जो कि 7 साल में सबसे कम उत्पादन होगा ओपेक की तरफ से, और ये इसलिए किया गया है ताकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके, ताकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़े। आप देखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत चिंता जाहिर की है सऊदी अरब की इकोनॉमी को लेकर के, वहाँ के आर्थिक हालात खराब हैं, तो लिहाजा चूंकि एक बड़ा जो इकोनॉमी का चंक है वो ऑयल से आता है, रेवेन्यू का चंक आता है, तो सऊदी अरब ये चाहता है कि कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर ले जाकर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया जाए, और उस दिशा में ये बड़ा कदम है। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही ये कदम, जैसे ये ऐलान सऊदी अरब की तरफ से किया गया, उसके बाद ब्रेंट क्रूड के दाम $90 के ऊपर आ गए, तो बड़ी तेजी की तरफ कच्चे तेल का मार्केट बढ़ रहा है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि रूस भी इसमें साथ है, रूस नॉन ओपेक का मेंबर है, लेकिन रूस ने भी यह ऐलान किया है कि सितंबर के महीने में, मतलब इस महीने 3 लाख बैरल रोज का एक्सपोर्ट कम करेगा रूस। अगस्त में ऑलरेडी 5 लाख बैरल कम किया था, अब सितंबर में कम करेगा रूस और सऊदी अरब। ये सब मिलकर चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल को लेकर ओवर सप्लाई के हालात ना बने, और उसी दिशा में ये बड़ा कदम है। तो आप ये मानकर चलिए कि कच्चे तेल की कीमतें अभी आपको ऊपर दिख सकती हैं, क्योंकि दुनिया की जो बड़े उत्पादक देश है उनकी मंशा साफ तौर पर यह है कि प्राइसेस को ऊपर ले जाया जाए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए।